Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इसकी बेसिक टर्म्स, उसके बाद कुछ थ्योरी चैप्टर हैं, उसके बाद जो मेन आपके पास एक न्यूमेरिकल चैप्टर आता है जो कि एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टर्मिनल्स होते हैं उनमें जनरली आपको मिलेगा, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अकाउंट्स के बारे में भी बताती है. क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? मैथ्स में तो इक्वेशन देखी है, अकाउंट्स में क्या इक्वेशन है? तो मैथ्स में बड़ी अकाउंट्स में बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन है और ये आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. और ये इक्वेशन क्या है डियर, कि बिजनेस में जितना भी पैसा ऑनर लगाता है दैट इज नोन एज कैपिटल, और जितना भी पैसा बिजनेस बाहर से लेता है उस टोटल उधार के बदले में दैट इज होल टर्म्ड एज लायबिलिटी. ये जो ऑनर लगाता है इसे आप इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बोथ आपके पास लायबिलिटीज है उनके बराबर बिजनेस में हमेशा क्या पड़ी होगी, कोई ना कोई एसेट पड़ी होगी. ये बात फॉर श्योर है डियर. मतलब इन दोनों पैसों के बराबर, यानी अगर कैपिटल 10 लाख रुपए लगी है, 15 लाख रुपए आपने लायबिलिटी ली है, 25 लाख के बराबर आपके पास एसेट्स भी जरूर होंगी, राइट? तो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो जाए उसके बाद ये हमेशा इक्वल ही रहती है. और इसी को लेकर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व किया जाता है. तो दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट. इसको दूसरे नाम से भी हम बुला सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी, यानी ऑनर का हिस्सा प्लस एक्सटर्नल इक्विटी यानी बाहर वालों का हिस्सा इक्वल टू टोटल इक्विटी, टोटल हिस्सा जो आपके पास होता है, राइट? देखिए, अब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है और उस पैसे से क्या करेगा. मान लो उसने 10 लाख रुपए लगाए तो वो कुछ बिल्डिंग खरीदेगा, फैक्ट्री लेगा, उसमें मशीनरी लगाएगा. तो ये सारी चीजें क्या हो रही है डियर, आपकी एसेट ही तो है. इवन स्टॉक भी जो आपके पास है वो एसेट है, बैंक में जो उसने पैसा डाला वो भी एसेट है, कैश जो पड़ा है वो भी आपके पास एसेट है. तो जो उसने पैसा लगाया उसके बदले में उसने बिजनेस के लिए एसेट खरीद ली, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी चीज, राइट? उसके बाद उसका बिजनेस काफी फ्लरिश हो रहा है, अब उसे और पैसे की जरूरत है, तो उसने बाहर से उधार इसीलिए लिया है क्योंकि या तो उसको माल खरीदना है या उसे कोई एसेट खरीदनी है, कोई मशीन खरीदनी है जिसकी मदद से वो अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकता है. तो जितना भी आपके पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल होता है दैट इज इक्वल टू एसेट, राइट? तो ये इक्वेशन ही हम इस चैप्टर में और अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या होती है डियर, इक्वल होती है. तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने कोशिश करी है कि इस क्वेश्चन में काफी अच्छी ट्रांजेक्शन को लेने की कोशिश करी जाए. हम एक एक करके आराम से आपको समझाएंगे और आप भी उससे तसल्ली से आराम से समझने की कोशिश करिएगा, और अगर जरूरत लगे तो दोबारा इसको देखिएगा ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में काफी हद तक क्लैरिटी हो जाए. इवन 40-50% तो आपको क्लियर हो ही जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं. सबसे पहले डियर, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन गिवन होंगी, जैसे कि यहां पर गिवन है, हमने 12 ट्रांजेक्शन यहां पे ली हैं. अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. सबसे पहले लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000. हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसका हमेशा बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से क्या इफेक्ट होगा. अब आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट सोचेंगे, ऑनर के प्रोस्पेक्ट से नहीं. तो बिजनेस ये कहेगा, एक तो बिजनेस के पास कैश आ गया, एक बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ी और उस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल. इसका जो इफेक्ट हो गया डियर, वो इफेक्ट क्या हो गया, हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया और कैपिटल इंक्रीज हो गई. और ये किसके प्रस्पेक्ट से सोचना है, कैश के, सॉरी बिजनेस के प्रस्पेक्ट से. तो सबसे पहले हमें इफेक्ट क्लियर करने आने चाहिए, कैश इंक्रीज हो गया और हमारे पास क्या इंक्रीज हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, राइट? उसके बाद देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000. यानी आपने ₹20,000 का माल खरीदा कैश में और ₹30,000 का माल खरीदा उधार में. अल्टीमेटली इफेक्ट देखा जाए तो आपके पास स्टॉक आ गया ₹50,000 का बिजनेस के प्रस्पेक्ट से, कैश चला गया ₹20,000 का, और क्रेडिट पे जब आप माल खरीदते हैं तो याद कीजिए अपनी बेसिक टर्म्स को. सबसे पहले तो आप माल किससे खरीदते हैं, सप्लायर से खरीदते हैं, और जब सप्लायर से उधार में खरीदते हैं और कोई बिल नहीं लिया जाता तो उसे हम लोग अपना क्रेडिटर बुलाते हैं. तो इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिला, एक तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया, कितने से, 20 + 30 ₹50,000 से. हमारा कैश डिक्रीज हो गया, कितने रुपए से, ₹20,000 से. और हमारे पास क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितने से, ₹30,000 से. अगर आप इस तरीके से इफेक्ट्स को इजीली समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर मुश्किल नहीं है किसी भी कीमत पर डियर. और देखिए, चलिए उसके बाद कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000. मतलब बिजनेस को तो अपने आप को बताना है ना कि कितने का माल था. तो 30,000 के कॉस्ट का माल आपने ₹40,000 में बेच दिया,
आप बताइए, आपके पास से स्टॉक चला गया, इस स्टॉक के अंदर आपके पास कच्चा माल भी है, फिनिश गुड भी है, सब है, यानी जो आप खरीद रहे हैं वो भी और जो आप बेच रहे हैं वो भी, राइट। स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया कितने से, 30,000 रुपए से, जितने की आपको पता है कि आपका माल गया, क्योंकि ये काउंटिंग इक्वेशन कोई कस्टमर नहीं बना रहा, ये आप बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, तो बिजनेस को तो पता है ना कि मेरा कितने का माल जा रहा है, 30,000 रुपए का, राइट। और कैश इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के पास, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 40,000 रुपीज। बट एक और इफेक्ट है डियर इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, 30,000 रुपए का माल आपने 40,000 रुपए में बेच दिया, 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, इस पर किसका हक बनता है, ऑनर का। तो ये जाके कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको यही सिखाया जाएगा कि जितने भी खर्चे हैं हम ऑनर से लेंगे, जितने भी प्रॉफिट है हम ऑनर को देंगे। रीजन, आप प्रॉफिट इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसी में से ही माइनस किए जाएंगे, राइट। बट जब आप आगे चलेंगे, जर्नल एंट्री चैप्टर पे चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंटेंसी का, अगर आपको 11th क्लास में बढ़िया बनना है अकाउंट्स के अंदर, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए जर्नल एंट्री पर। अगर आप वो अच्छे से सीख जाएंगे डियर, तो अकाउंटेंसी को सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं और ट्रांजेक्शन की तरफ। रेंट पेड 500। देखो, पेड वर्ड मेंशन है तो कैश तो पक्का गया, रिसीव्ड में कैश आएगा, पेड में पैसा जाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि कैश बिजनेस का डिक्रीज हुआ है, और रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्चा। और अभी अभी हमने आपको बताया कि जितने भी खर्चे होंगे वो ऑनर के उसमें से ही, पैसे में से काटे जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो इसी में ऐड है। खर्चे हमेशा रेवेन्यू में से माइनस करे जाते हैं और वो रेवेन्यू इसी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम खर्चे इसी में से माइनस कर देंगे। तो रेंट पेड कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इस तरीके से डियर अगर हमें इफेक्ट्स क्लियर करने आ जाएंगे तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, अब आपको थोड़ा सा इफेक्ट समझ में आने लगा होगा तो साथ साथ और भी समझाएंगे। अब क्वेश्चन डील करते हैं डियर। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप अपना फॉर्मेट बना लेंगे, और ये फॉर्मेट आपके पास है, सीरियल नंबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ ट्रांजेक्शन की थोड़ी बहुत डिटेल लिखेंगे, ऊपर हम अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर लिखेंगे, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था तो मैं नहीं लिख पाई, अकाउंटिंग इक्वेशन आप लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे, और यहाँ पर जगह छोड़ेंगे क्योंकि हम एसेट्स की कैटेगरीज बनाएंगे। यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखेंगे इक्वल टू में, यहां पर भी हम कैटेगरीज बनाएंगे, कैपिटल आप लास्ट में लिखें, क्यों, क्योंकि कैपिटल को लेकर कोई कैटेगरी नहीं है तो उसमें ज्यादा आपको स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब देखिए किस तरीके से डील करा जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन था, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, राइट। हमने आपको इसका इफेक्ट बताया था, आपके पास एक तो कैश बढ़ जाएगा, एक कैपिटल, तो कैश एक क्या है, एसेट है, तो इसीलिए हम कैश कॉलम खोल लेंगे एसेट में। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर सीरियल नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप ये शॉर्टकट नहीं लिखेंगे डियर, आप लोगों को अलाउड नहीं है, हम लोगों के पास टाइम कम होता है और स्पेस हमें कम यूज करके करना है, इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 50,000 रुपीज से, तो आप देखिए 50,000 रुपीज यहां कैश में लिख दिया, और 50,000 रुपीज की आपकी क्या इंक्रीज हो गई थी, कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, तो 50,000 रुपीज हमने यहां पर कैपिटल में लिख दिया, राइट। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। इसमें क्या हुआ था, आपको याद होगा कैश गया है हमारा और स्टॉक आ गया 20,000 का, और यहां पर 30,000 रुपए का स्टॉक आ गया और आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब देखिए क्या नई नई टर्म है, कैश हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, स्टॉक हमें क्रिएट करना है, और स्टॉक कहां आता है, आपके पास एसेट के अंदर, तो यहां पर हम एक स्टॉक का कॉलम क्रिएट कर देंगे। साथ ही साथ हमें यह भी नजर आ रहा है कि यहां पर एक लाइबिलिटीज आ रही हैं जिनका नाम है क्रेडिटर, तो वो भी हमने यहां पर क्रिएट कर दिया, राइट। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ठीक है, परचेज गुड्स ऑन कैश रुपीज जो भी है एंड क्रेडिट। अब देखिए आपके पास स्टॉक कितने का आया है डियर, 20 और 30, कुल मिला के स्टॉक आ गया है आपके पास 50,000 रुपीज का। 20,000 रुपए का आपका कैश चला गया है, तो कैश रिड्यूस कर दीजिए, नेगेटिव सिंबल के लिए आप इस तरीके से ब्रैकेट बना सकते हैं, और आपके पास 30,000 रुपए के क्या इंक्रीज हो गए हैं, क्रेडिटर्स,
तो ये 30,000 रुपए के हमने क्रेडिटर इंक्रीज कर दिए। उसके बाद आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर कैलकुलेशन का एंड करके हम कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब आप देखिए दोनों ट्रांजैक्शन के बाद एसेट और लायबिलिटी का टोटल मैच करेगा। यहां पर देखिए आपके पास कैश कितना रह गया, 30,000, राइट। आपके पास स्टॉक है 50,000 रुपीज का, इक्वल टू में आपकी लायबिलिटी साइड पर 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स और 50,000 रुपए की आपकी कैपिटल चल रही है। आप देख सकते हैं दोनों साइड एकदम इक्वल एंड ईयर, 80 और 80 एकदम इक्वल है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 30,000। क्या मतलब बताया था आपको इसका, 30,000 रुपए के माल आपने 40,000 रुपए में बेच दिया तो कैश तो हमारे पास 40,000 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा, राइट। हमारा स्टॉक जो है वो 30,000 रुपए से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को दिखा रहे हो तो आपको खुद पता है कि ये 30,000 रुपए का माल है, ये बिजनेस बना रहा है। और 30,000 रुपए का माल क्योंकि आपने 40,000 में बेचा है तो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उस पर हक पूरे तरीके से ऑनर का है। तो यहां पर हमने लिख दिया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपके पास 40,000 रुपए कैश प्लस हो गया, स्टॉक चला गया हमारे पास 30,000 का, ये ब्रैकेट यही शो कर रहा है डियर कि आपके पास ये नेगेटिव टर्म है, और आपके पास 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो गया है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अब हम इसका रिजल्ट देख लेंगे कि एट द एंड हमारा रिजल्ट कितना बच गया, और इसे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। हमारे पास अब कैश है 70,000 रुपए का, हमारे पास स्टॉक रह गया है 20,000 रुपए का, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 रुपए के, और 60,000 रुपए का हमारा कैपिटल हो गया। आप देख सकते हैं 90 और ये 90 मैच कर रहा है, तो आप हर ट्रांजेक्शन के बाद ये मैच कर सकते हैं, ये मैच करेगा अगर आपने कोई गलती नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजेक्शन थी हमारे पास रेंट पे। हमने बताया था रेंट एक खर्चा है बिजनेस के लिए और पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो क्या इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, एक तो कैश डिक्रीज हो रहा है और एक आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस कहां से भरा जाएगा डियर, कैपिटल से। तो ये 500 रुपए रेंट पेड आपका कैश कम कर देगा, साथ ही साथ आपकी कैपिटल कम कर देगा, राइट। अब आप इससे न्यू इक्वेशन से रिजल्ट निकाल लीजिए। यहां पे रह गए आपके पास 69,500 रुपीज, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, और यहां रह गया आपके पास 59,500 रुपीज। चलिए बढ़ते हैं और ट्रांजेक्शन की तरफ। सैलरी पेड बिल्कुल सेम रेंट पेड की तरह, एक तो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा और ये खर्चा है, खर्चे कहां से करे जाएंगे, प्रॉफिट से, प्रॉफिट कहां जुड़ा हुआ है कैपिटल में, तो कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो सैलरी पेड कितना अमाउंट है डियर, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हम कैश में से माइनस कर देंगे और 5,000 रुपए कैपिटल में से, और यहां पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये रह जाएगा आपका 64,500 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 के क्रेडिटर्स एज इट इज हैं। यहां पर हमारे पास रह गया 54,500 रुपीज, राइट। चलिए बढ़ते हैं और ट्रांजेक्शन की तरफ। पांच तक हमारी हो गई। रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ध्यान से समझते हैं इसको, ये आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। हमने आपको शायद बताया है बेसिक टर्म्स में, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसे, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है रेंट देना अभी बाकी है, राइट। अभी आपने रेंट नहीं दिया, तो अगर आप रेंट देते हैं डियर तो क्या एंट्री करते हैं, रेंट देते हैं तो आप एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब बेसिकली आप ये कहते हैं कि रेंट एक खर्चा है और कैश चला गया, जब वो देना बाकी है तब क्या होगा, कैश तो नहीं जाएगा, आपकी लायबिलिटी पक्का क्रिएट हो गई क्योंकि रेंट ड्यू हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर का रेंट देती हूँ, 5 तारीख को मैं रेंट दे देती हूँ, आज 12 तारीख हो गई है, तो मैं बोलूंगी रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया है, यानी मेरे ऊपर उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, चाहे अभी पूरा महीना नहीं कंप्लीट हुआ बट फिर भी 5 तारीख ड्यू डेट थी, उसके बाद अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो वो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो मेरे ऊपर क्या बन चुकी है, लायबिलिटी बन चुकी है। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए खर्चा तो है, आपने दिया नहीं है वो एक अलग बात है, देना तो है, इसीलिए आपको प्रॉफिट में से तो इसका पैसा काटना ही है, और प्रॉफिट कहां मिलेगा,
कैपिटल में। तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो ये है, एक तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि खर्चा तो है बट आपने पैसा नहीं पे करा, इसलिए कैश में से ना जाकर लाइबिलिटी में एक कॉलम बन जाएगा। सेम फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू हो गई थी वर्कर की 1 तारीख को, आज 10 तारीख हो गई आपने सैलरी नहीं दी, देनी तो है भाई, इसका मतलब आपका खर्चा कंफर्म है, आपको कैपिटल में से रिड्यूस करना पड़ेगा, बट क्योंकि आपने पे नहीं करा है इसलिए ये आउटस्टैंडिंग के नाम से एक कॉलम लाइबिलिटी साइड पर बन जाएगा। तो हमें लाइबिलिटी साइड पे कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप इसे छोटा छोटा ही लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी आ जाते हैं कई बार तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए 500 रुपए का आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है और 1000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में हमने 100 रुपए डाल दिए और यहां कैपिटल में से माइनस कर दिया, और यहां पर 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी में डाल दिए और कैपिटल में से माइनस कर दिया। रीजन क्लियर है, खर्चा कंफर्म है, प्रॉफिट तो घटाना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट में से तो हम तैयार रहेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे क्योंकि अभी पे नहीं करा, कैश में से माइनस नहीं कर सकते, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी हमने। तो यहां पर आ गया आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अब आप इसका इफेक्ट देखिए, इफेक्ट क्या आता है इसका, तो कैश हमारे पास एज इट इज है 64,500 का, 20,000 का हमारा स्टॉक है, 30,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर हैं, 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहां से अगर हम 100 माइनस कर दें 54,400 बचेगा, 1000 माइनस कर देंगे 53,400 रुपीज की आपकी कैपिटल बची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, यानी आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो गया, ऊपर से उधार पे खरीदा है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है डियर। तो आप चाहें तो इन क्रेडिटर्स में भी इसे डाल सकते हैं, बट जनरली ये क्रेडिटर्स जो होने चाहिए वो गुड्स के क्रेडिटर होने चाहिए, तो हम लोग इसके लिए अलग से कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्यों? क्योंकि ये गुड्स के फर्नीचर है और अभी हमने यहां उधार में खरीदी है एसेट, तो इसीलिए हम इसे अलग से बना रहे हैं। कई कई बुक्स में आपको इसी क्रेडिटर में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक तो बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया, तो हमें कॉलम और ओपन करना पड़ेगा, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। और आपके पास लाइबिलिटी में एक और लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, राइट। तो आपके पास 5,000 रुपए का यहां फर्नीचर इंक्रीज कर दीजिए और 5,000 रुपए की आपकी एक और लाइबिलिटी, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, और इसके बाद इसका रिजल्ट निकाल लीजिए और फिर हमें नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना पड़ेगा इसे। न्यू इक्वेशन, कैश हमारे पास 64,500 का है, 20,000 रुपीज का हमारा स्टॉक है, 5,000 रुपए का हमारे पास फर्नीचर आ चुका है, 30,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर्स हैं, 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 53,400, राइट। तो डियर यहां पर हमारा पेज जो है वो फिल हो चुका है, हमें दूसरा पेज चाहिए। तो अब क्या करना है उसे ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो दोबारा से बनाना पड़ेगा, जो भी आपके पास यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन, ये जो हमने बाइफर्केशन लिखी है एसेट्स की, कैश स्टॉक फर्नीचर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब। और उसके बाद आप इस बैलेंस को दोबारा उठाएंगे जो आपके पास है, कि आपके पास कैश का बैलेंस है 64,500, स्टॉक है आपके पास 20,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का आपके पास फर्नीचर है, राइट, 30,000 रुपए की आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और 5,000 रुपए का आपके पास क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, और 53,400 की आपकी चल रही है कैपिटल, राइट। तो अब हम वो भरे हुए पेज को अलग करते हैं और आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। यहां तक हम कर चुके हैं 7 ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए जब भी वो पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीद रहा है, हमें नहीं मतलब उसने बाजार से क्या खरीदा, उसने बिजनेस से क्या निकाला। बिजनेस के पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, बिजनेस से उसने कैश निकाला, बाजार से उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा। तो जब भी वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो ये उसकी ड्रॉइंग कहलाती है,
और देखिए, जब हमने कहा कि बिजनेस को जब ओनर ने पैसा दिया तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो इसी तरीके से जब उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। यानी इस केस में एक तो आप कैपिटल कम कर देंगे और उसने 5,000 रुपए बिजनेस से क्या निकाला होगा? कैश। तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट ये होगा, एक तो हम 5,000 रुपए का कैश कम करेंगे और एक हम 5,000 रुपए की आपकी लायबिलिटी कम करेंगे, सॉरी कैपिटल कम करेंगे, जो कि बिजनेस की लायबिलिटी है, राइट। एक तरीके से ये आपकी ड्राइंग है, आप पूरी ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये आपके पास बचा 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100। आप मैच करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये बचेगा हमारे पास 48,400। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। तो यहां पर बिजनेस के लिए कंप्यूटर आ गया और बिजनेस का कैश चला गया, तो बिजनेस के पास एक और एसेट क्रिएट हो गई है, तो यहां पर हम एसेट क्रिएट कर देंगे कंप्यूटर, राइट। अब आप यहां पर ट्रांजेक्शन लिख लीजिएगा, राइट। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो है 20,000 रुपीज का, कंप्यूटर में हम 20,000 रुपीज एड कर देंगे और 20,000 रुपीज का आपका कैश रिड्यूस कर देंगे। और इसके बाद यहां पर हमारे पास आ गया परचेज कंप्यूटर। अब हमारे पास कैश रह गया 39,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 रुपीज का आपका कंप्यूटर। क्रेडिटर्स अभी भी हमारे पास 30,000 के हैं, 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5,000 रुपए के क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, 48,400 की कैपिटल, राइट। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर से उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया 10,000 रुपए। अभी आपको बताया एक तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा और बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। तो 10,000 रुपए का कैश कम हो गया बिजनेस का और 10,000 रुपए से हम उसकी उधारी कम कर लेंगे बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस इस पैसे को उधार मानता है। तो बिजनेस ने कहा कि तुमने उसी उधार में से पैसे हमसे ले लिए वापस। तो यहां पर रह गए 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000, 100,000, 5,000, 38,400 रुपीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। देखिए सबसे पहले हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताते हैं। कैपिटल को बिजनेस लाइबिलिटी मानता है, राइट, और उस लाइबिलिटी पर जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए खर्चा है। खर्चा कोई भी होगा तो हमें कैपिटल में से माइनस करना है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, राइट। तो आप मान लीजिए हमने ये ट्रांजेक्शन पहले लिख दी, कोई बात नहीं, इसे 12 कर देते हैं, इसे 11 कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बिजनेस का खर्चा है इसीलिए कैपिटल में से क्या कर दी? माइनस। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनर ने बिजनेस को कुछ देना है और बिजनेस ने ऑनर से कुछ लेना है, तो वो कैश में नहीं होगा, ट्रीट होगा। यानी आप जब पार्टनरशिप में जाएंगे, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कुछ देना है, तो जनरली आपको वो उनके कैपिटल अकाउंट से मिलेगा। यानी ए अपनी कैपिटल से काटकर बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, दे देगा। तो इसी तरीके से ऑनर को जो चीज मिलनी है बिजनेस से, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही जाकर मिलनी है, तो इसीलिए यहां जाकर क्या हो गया? प्लस, यानी कैश में नहीं जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस। क्यों? बिजनेस का खर्चा है और बिजनेस के खर्चे कैपिटल में से निकाले जाते हैं, इसलिए माइनस करा। अब ये खर्चा जाकर मिलना था ऑनर को, ऑनर को कुछ भी मिलना होता है तो हम उसे कहां देते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर जाकर ये क्या हो गया? डियर, प्लस। अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट फिर भी आपने इसे शो करना है। अगर आप इसे शो नहीं करते हैं तो यही समझा जाएगा कि आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं आता। हाँ, ये बात सच है कि आपका आंसर जो है एट द एंड वाला वो जरूर मैच कर रहा होगा, बट आप लॉजिकली जरूर गलत होगे। सेम फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डियर, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें तो ड्रॉइंग वो पैसा है जो ऑनर ने लोन लिया है, क्योंकि अब ऑनर ने लोन लिया है तो ऑनर उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा। ऑनर ने इंटरेस्ट पे करना है, बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम है तो भी कैपिटल में जाकर प्लस होगी, राइट। और ऑनर ने बिजनेस को कोई भी चीज देनी है तो वो कहीं और से नहीं, अपनी कैपिटल से काट कर दे देगा, इसलिए वहां से क्या हो गया? माइनस। अब आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे,
और जो भी आपके पास आंसर है आप उसे जरूर चेक करेंगे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो टोटल है वो एसेट के टोटल से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है डियर, राइट। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ डबल लाइन डाल देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो एंड हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस, कीप शेयरिंग।